ये है, ये वाली बस होगी जो ये 114B है, मुझे जाना है 114A में। अभी आई नहीं है और ये एकदम टर्मिनल के बगल में ही ऊपर की तरफ है। मैं डाउन स्टेयर में था, अभी जाना तो मैं ऊपर साइड में है। अगर ऊपर आओगे तो ही आपको बस स्टेशन मिलेगा और इसका नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे अब तो बगजाल बिना अलेक्सी करके लिखा हुआ है, वो ज़रूर ध्यान देना नाम। और जब नीचे से ऊपर आओगे तो यहीं पे आपको खड़ा होना, देख लो आसपास का एरिया, ये एकदम एंड एरिया है इंटरनेशनल बस टर्मिनल का, तो यहीं पर रुक जाना और वेट करना। बस मैंने दिखा दी है, दोबारा आएगी मैं दोबारा दिखा दूँगा। 114A आपका बस नंबर है जाने के लिए। और जो लास्ट स्टेशन है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है, पेरी केशकुल के नाम से स्टेशन है लास्ट, मतलब एक टाउन है वहाँ पर, उसका लास्ट जो स्टॉप है वहाँ पे आपको उतार देगा। उसके बाद शहर के अंदर जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मुझे वॉक करना पड़ेगा, और वॉक करते ही आना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई पहुँचने के बाद, 1.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है यहाँ से, देख लो भाई पूरा। यहाँ से थोड़ी सी गंदगी शुरू हो गई है, नीचे देखो, शहर के बीच में तो सफाई है बट बाहर नहीं है, हर जगह पर गंदगी शुरू हो गई है। वेट करता हूँ बस आ जाए तो वो भी दिखा दूँगा फ्रंट से कैसी है बस, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और मुझे बीच में वहाँ पे हिचहाइक करना पड़ेगा, लिफ्ट लेनी पड़ेगी, मैं तो वॉक करूँगा, बट मीन्स वॉक करते करते जाऊँगा आगे, बट चेक करता रहूँगा कोई गाड़ी आ रही है लिफ्ट दे देता हूँ, तो बस फिर उधर जाऊँगा, उसके बाद से अपना मड बॉल कैनो देख के वापस लौट आना है, यही काम है। और आज ऊपर वाले के दिवस है भाई, थोड़ा सा मौसम नॉर्मल है, अभी देखो हल्की सी धूप में चेहरे पर अब आ रही है, अभी तक नहीं आई थी, तो उम्मीद है मौसम ठंडा रहेगा। ये आ रही है, पीछे देख लो 114A खड़ी है, ये डिट्टो सेम ही बस है, वो देख लो सामने, इसके पीछे वाली बस जो है उसी में है, तो उसी में बैठता हूँ, बाकी बैठने के बाद देखेंगे कैसा क्या है। तो पैसे क्या है, आप पहले बैठ जाओ, और जब आपका स्टॉप आएगा तब आपको पैसे देने हैं, स्टार्टिंग में देने की जरूरत नहीं है। और जिस मशीन में टैप एंड पे का ऑप्शन है, पहले अपना कार्ड यूज़ करो वाकू वाला, तो यही है देखो पीछे वाली 114A, अब बैठता हूँ मैं देखता हूँ। तो भाई मैं उतर गया हूँ और स्टेशन में दिखा देता हूँ, एक ये रेस्टोरेंट है, कैफ़े कह लो, और ये है फाइनल स्टैंड, तो यहाँ पे आपको उतार देंगे, ये बस स्टॉप पे आप वापस लौटते वक्त यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे 114 खड़ी रहती है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ पैदल, लिफ्ट ले लूँगा बीच में अगर मिलती है तो, हिचहाइक करते हुए डिस्टेंस में देख लेता हूँ कितना है। और जो ये लोकेशन है जहाँ पे ये लास्ट स्टॉप है, उसका नाम है पेरे केशकुल, जो इंग्लिश वर्ड में, मतलब इनका वर्ड कुछ और है पढ़ने पे, बट वो इंग्लिश में जो लिखा हुआ यही है पेरे केशकुल। सो यहाँ आपको आना है, इसके बाद आपको वॉक करना पड़ेगा। फिलहाल अभी धूप नहीं है, अच्छा खासा है मौसम, देखो बढ़िया, लिफ्ट ले सकते हो यहाँ से आराम से आप। तो मुझे एक्चुअल में यही ट्रैवलिंग करनी थी, हाईवे पे बढ़िया, अकेले कोई नहीं है, ये ट्रैवल करने का मज़ा अलग है। अगर ये मेरे पास मेरा पूरा बैग होता और कैंपिंग सेट होता पूरा, रात होती दिन होता कुछ होता, इनकेस मैं जा रहा हूँ अगर कहीं पे भी टेंट लगा लिया, यहाँ पे टेंट लगा के सो गया, उधर सो गया, या फिर बीच में आपको वो मिल जाते हैं पेट्रोल पंप, आप वहाँ पर आके, बट पूछना पड़ेगा, इन सब जगहों पर पूछने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली आपको पूछना पड़ता है कि भाई यहाँ टेंट लगा सकते हैं आपके पेट्रोल पंप पे। सो गोवत्सन का जो डिस्टेंस है, चेक करता हूँ, भाई ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर चलना है मुझे यहाँ से अभी एट प्रेजेंट। सो इसका जो नाम है वो गोवत्सन है, ना ही गोवत्सन है, उल्टा है GOBUSTAN, गोवत्सन पढ़ते हैं। सो भाई धूप में चलना है 8 किलोमीटर, मैंने पानी की बॉटल वैसे 1 लीटर की रख ली थी, लिफ्ट के लिए देखूँगा, मांगते वहाँ कोई रुक गया तो। 8 किलोमीटर कोई बड़ा नहीं है मेरे लिए, बस 8 किलोमीटर ये चलना है, उसके बाद अभी मड वोल्केनो कितनी और ऊपर है सिटी में जाने के बाद वो भी देखना पड़ेगा।
ये हाईवे आगे मुझे जाना है पूरा। एक कैंडी माउंटेन्स भी है, और ये जो ट्रकर्स जो है ना, स्पेशली आप ट्रक वालों से लिफ्ट मांगो तो ये डेफिनेटली आपको लिफ्ट दे देते हैं, मोस्ट प्रोबली सभी दे देते हैं, बट ट्रकर्स में आपको ना चांसेस बहुत ज़्यादा है लिफ्ट मिलने के, सो यू कैन ट्राई विद द ट्रकर्स। और किस कंट्री में ट्रक, ये एक्चुअली मेन हाईवेज पे क्या होता है, जितने भी ना ट्रक्स वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं मोस्टली, मतलब जो राइड उनकी हो रही होती है, तो आप उनके नंबर पे भी जब ट्रक पास पर पहुँचे तो उनके नंबर से आप देख सकते हो कि वो कहाँ जाने वाला है, क्या मतलब कौन सा नंबर है कंट्री का। बस धूप ना हो, वो जो माउंटेंस दिख रहे हैं आपको दूर से कैंडी माउंटेंस की तरह है। अब यही टूर जो मैं अभी कर रहा हूँ सोलो, और जो मैंने कल किया था फायर माउंटेन का, इसके मुझे 2000 रुपये पे करने पड़ते, और सबसे कम जो था वो 1900 का था, जिसमें आपको भाई एसी वैन मिलती और एंट्री टिकट आपको नहीं पे करना था फायर टेम्प फायर माउंटेन का फ़िलहाल, जो मैंने पे किया है। बट मैं 550 रुपये में घूम के चला आया, 500 रुपये में सॉरी, टैक्सी किराया, मेट्रो किराया और उसका टिकट का प्राइस का। और सेम अभी यहाँ पर भी है, एक तो इनके जो पैसे डेबिट होते हैं पता नहीं चलता है एक चीज़ इनका है, और आपका जो बस में किराया है ना और जो मेट्रो में, वो सिंगल ही है, बार बार आपका अलग अलग नहीं है। आपको बस जैसे मशीन में, इस वाले बस में जिसमें मैं बैठा था, इसमें टैप एंड पे का ऑप्शन था, आपने टैप किया बस, आप चाहे जहाँ भी उतरो कोई मतलब नहीं है, एक ही फेयर लगेगा वो। और सेम एज इट इज़ मेट्रो में, क्यों, क्योंकि इनके एग्जिट पे जब आप निकलते हो मेट्रो एग्जिट से, तो कोई मशीन नहीं है कि वो कैलकुलेट करेगा कि इस स्टेशन पे उतरे हो तो कितना है, अगले पर उतरोगे तो कितना है, वन टाइम पेमेंट है, टैप कीजिए, एंट्री कीजिए, वही कटेगा। देखो आसपास का नज़ारा, और है माउंटेंस, कुछ फोटोशूट वगैरह कर लेता हूँ अकेले। तो भाई देखो नियर बाई, ये जो मैप में मैं जो देख रहा था एरिया गोबसन का, वहाँ पे आ गया हूँ, और ये कैंडी माउंटेन्स जो है ना उसका व्यू मिलेगा पूरा यहाँ पे, वो वाली जो माउंटेन्स एरिया है ना वहाँ मिलेगा जाने के लिए। जाता हूँ देखता हूँ उस पार रोड उसके निकल के। सलाम, खुर्शीद मियां जावद खुर्शीद जाकिर दाके, सलाम भाई। चलो भाई एक्सप्लोर कर लेते हैं आसपास में, देख के क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। पहली लिफ्ट मिली थी जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा जो था उसमें मुझे एक मन्नत देना पड़ा, क्योंकि एक बंदे ने दिया मन्नत तो मैंने सोचा मैं भी दे दूं भाई, क्योंकि यहाँ बात करने में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, स्पेशली जो लोकल है। वो माउंटेन एरिया जो दिख रहा है ना उस साइड पे, चलता हूँ आसपास देख लो भाई पूरा। यार ये धूप बहुत दिमाग खराब कर रही है, धूप ना रहना तो अच्छा है थोड़ा सा। दोस माउंटेन्स लुक्स प्रिटी गुड, और यही जो इसमें ना आपको एक कलर दिख रहा है, अगर दिख पा रहा हो तो, जो वाइट कलर दिख रहा है जो कैंडी माउंटेन्स है उसमें ना मल्टी कलर्स हैं, मतलब बहुत सारे कलर हैं। तो भाई ये कुछ विलेज है देख लो छोटा सा आसपास का। सो यही ट्रैवल करना था मेरे को, बस लिफ्ट लो, रास्ते में उतरो, घूमो फिरो और चलते बनो। अब देखो यहाँ पर रहने के लिए मुझे हॉस्टल अगर कहीं मिल गया तो ठीक, नहीं मिलता है तो जो मेरा इन फ्यूचर अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो जो कैंपिंग किट होगी मेरी, कहीं भी नियर बाई में लगे किसी से पूछ के, रोड साइड में भी मैं आराम से टेंट लगा के अपना सो जाऊँगा। रही बात वॉशरूम की, वो कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी
पेट्रोल पंप के पास रुकते हो तो वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली सोवियत यूनियन के जितनी भी कंट्रीज थी और अभी जो हैं जो ब्रेक हुई हैं उन सब में खासियत यह है कि हाईवेज पर दूर दूर पर पेट्रोल पंप और आपको ग्रॉसरी स्टोर ज़रूर मिलेगा। बस नहाने की थोड़ी दिक्कत होगी, तो डीओ परफ्यूम वगैरह भैया आप रखो अपने पास में, जब आपको नहाने का समय मिला तो नहा लेना। तो कुछ यहाँ पे विलेज है, देख लो भाई गाय भैंसों की खुशबू आ रही है, मुर्गियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही हो, तो ये है तबेला टाइम काइंड ऑफ। और जो बंदा मुझे मिला था कैब में, जो पहली कार थी जो लिफ्ट मिली थी, वो कह रहा है कि वो मड वॉल्केनो यहाँ नहीं है। यार एक तो इन लोगों ने क्या किया है पता नहीं, पूरे बाकू में आप मड वॉल्केनो डाल के देखो, एक गोवत्सन का दिखाएगा और गोवत्सन का एक ये जो दिखाएगा लोकेशन जो मैं अभी आया हुआ हूँ, और एक लोकेशन बहुत दूर दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मड वॉल्केनो कहाँ पर है। दूसरा मड वॉल्केनो तुम्हारा जो मैंने यस्टरडे विज़िट किया था उसमें भी नहीं है, यानार दाग में वहाँ भी नहीं है, पता नहीं क्या है। बस ये था कि फायर माउंटेन आपका यनारदाग में है, तो आपको ट्रिप उसके कोई टूर बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली जाके वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हो। हल्की हल्की धूप हो रही है, लग रहा है मुझे कैप लगाना पड़ेगा नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। गनीमत है मैंने पानी की ब�टर रख ली है और एक कर्ड की बॉटल रखी है और शॉर्मा मैंने पहले खा लिया था। तो भाई कुछ ऐसा विलेज है, अंदर आ चुका हूँ, उधर रोड से निकल के आया हूँ, जा रहा हूँ सामने, एक कुत्ता है भौंक रहा था, देखते हैं भौंकता है कि नहीं भौंकता है, मुझे देख के भौंकेगा तो ईटा उठाऊंगा और क्या करूँगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन थोड़ी है। और उधर जाने के लिए रास्ता बस एक ही दिख रहा है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखो बाकू सिटी आपको एक्सप्लोर करनी है तो बाकू सिटी में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेस है जिसे बोलते हैं ओल्ड बाकू सिटी, वो बाकू सिटी जो है ना पूरी वॉल्ड सिटी है, जो सबसे पहले सिटी थी, जो पुरानी सिटी थी बाकू की वो है, मतलब पूरी दीवारों से घिरी हुई है, उसके बीच में शहर बसा हुआ है, उसी को बोलते हैं ओल्ड बाकू सिटी। और उसके बाद इस वॉल के चारों तरफ से पुरानी जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनी है ना वो पूरा न्यू बाकू सिटी जो है वो डेवलप किया गया है। सो वो ओल्ड सिटी एक्सप्लोर करने के बाद से थोड़ा सा आप जब उस सिटी में जाओगे ना ओल्ड वाले में, तो वहाँ पे ना आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं और जो रोड हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, तो वो अलग ही लेवल का है क्योंकि वो पहले ज़माने के बने हुए हैं, कोई एकदम स्ट्रीमलाइन रोड नहीं हुआ करती थी। अभी कुत्ता भौंक रहा है, जाना मेरे को दूर है, चलते हैं देखते हैं। मैं स्टिक रखता हूँ पास में अपनी, ये मैंने स्टिक ली थी सेल्फी वाली, सेफ्टी के लिए काम आएगा, उसको भौंकने देता हूँ, ना ही देखूँ तो अच्छा है, एक्शन का रिएक्शन दूंगा तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, काट पीट लिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए यहाँ बाकू में, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है कहीं पे, तो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम और ट्रिप जो है गड़बड़ हो जाएगी। सो देख लो ये आगे ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से, ये देख लो भाई घर कैसे होते हैं यहाँ पे, ये गैस लाइन की पाइपलाइन जो भी है वो खींची हुई है, बढ़िया अच्छे खासे चौड़े चौड़े होते हैं, गार्डन एरिया के साथ में। भाई कुत्ता भौंक रहा है कोई भयंकर, भागना पड़ा भाई, कुत्ते की आवाज़ बहुत भयंकर थी, पता नहीं कौन सा था गेट पर, भाई गेट भी खुला ही हुआ था बट बाहर नहीं आया। सो ये है देखो माउंटेन्स, उधर देखो कितनी रोशनी पड़ रही है ऐसा लग रहा है, या तो धूप है या लाइट है पता नहीं क्या है किसकी वजह से। ये रहे वो माउंटेन्स, कैंडी माउंटेन्स। तो देखो भाई पूरा ये है माउंटेन्स का ऐसा कुछ, एक उस साइड पे है और मैं ही अकेला हूँ, बस कोई नहीं है अभी। अब यहाँ पे मैं आराम से कैंप लगा सकता हूँ अपना, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, और इन सब शहर में आपको कोई बोलने नहीं आता है कि भाई तूने यहाँ पे कैंप क्यों लगाया है, किसी से परमिशन लिया किसी से पूछा, कोई नहीं बोलता है, इजीली कैंप लगाओ। बट वो देखने ज़रूर आपके पास में आ जाएंगे कि ठीक ठाक हो या नहीं हो, कौन है कौन नहीं है बस। मिले थे साथ में कह रहे पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे तो भाई मैंने मना कर दिया कि पैसे ना दे, चलो
Hello, hello. Hello. Hello, hello. Where's Jesus? Who does it? Where's Jesus? Follow me. 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 Follow Sağ ol. Ha, sağ ol, foto. Ala. Foto para, Slam. Para. YouTube. Lan, YouTube. YouTube. Paya, paya, paya. Ha, sahibe. Money, money, money. YouTube. Money, money, money. Olan yes benim. Abi tamam da. Emin kapıyı. Olan yes benim. Pır ver, pır. Lan, pır ver. Yo, orası zermeci sahibi. Ne? Yo, money, money, pır ver. Money, money. Çene kanalım da kaldı. Sağdı bana vermiş. Sağdı bana vermiş. Sağdı bana vermiş. Yaz foto. Hayır sen açmış oldu. Sağdı ver sen sağdı. YouTube sağ ol. YouTube. Ha ne YouTube? Açgı. Adı yaz fotoğun adı. Yani ver açgı adı ya saklı. Bura yaz bura. Biz açgı özümüz, ver açgı açgı. İnternet yoktu. Gözlem yanı. Oraya yaz adı. Nedir? YouTube'un adı. Seni. Hindi, hindi, hindi bolu bay hindi. Hadi bilirik de başa düşeğen mi sen? Hindi bolu kutu samimi ayga. O da eğriyor beni yine. Açalım onu. Hangini veren de bu ne? No. Şak. No, no. Niyet, niyet. Oh, oh, çocuğum. Yes. Hani bana yakışı çek. Mene çek, mene çek. Emi. Su al bize, su, su. Su. Hello. Hello. Gelecek bu vakti yani. Money, money. Money, money. Burada ne var? Stok, stok. No money. No money. Stok adı ne? Stok. Kuva emi kuzu cesi. Stok adı var ne koymuşsun? No money. Samaj beni ya Rabi. Piyar se baat kar raha hum. No money, shut your mouth. Sachi. Sachi. Chesan koya kuzu chesan. Poche kuzu. So bhai abhi shop mein aaya tha kuch der pehle. Usi mein dobara aaya tha cold drink lene ke liye. To ye liya maine ek cold drink. Garmi bahut hai bahar. Chehre pe tan bhi dekho kitna ho gaya. To abhi kuch log mile the unhone bola khane ke liye. To dekhte hain kya hai khana. Aata hai dikhata hu main kya hai. Azerbaijan ka food hai. Kya log khila rahe hain. तो जो दोलमा की बात मैं कर रहा था जो ट्रेडिशनल फूड है उज़्बेक यहाँ का अज़रबैजान का वो ये है दोलमा सैलड एंड ब्रेड तो दोलमा ओके ध्यान ध्यान ओनली वन ओनली वन ओनली वन या ये 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 नरातन दे बाफ इसमें क्या है मीट की स्टफिंग होती है और ये बैंगन के उसमें भरा जाता है यो है और मीट मैं आपको बता नहीं सकता वो कुछ लोग वो हो जाएंगे हेलो तो मैं फिनिश कर दाऊं बिल फिर उसके बाद बात एक शॉप पे आया था तो उन्होंने खाने के लिए बोला मेरी हालत देख के थके हुए हूँ खाना चाहता था इंसिस्ट किया उसके बाद मैं खाने बैठा हूँ तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग अभी घर में बैठे हैं अंदर रूम में और पूरी फैमिली है तो मैं कैमरा उनको दे रहा हूँ अगर कुछ बोलना होगा उन्हें तो बोलेंगे YouTube. YouTube. Ha. Salam YouTube. Biz çok şadık ki Hindistan'a bir Müslüman kardeşimizi konak ettik. Bizim süfremiz oturdu, bizim ruzumuzdan tattı. Çok hoşbaktı ki böyle bir Müslüman kardeş bizim süfremizde, bizim çöreğimizi kesti. Mahmut. Mehmet'in annesi konuştu. YouTube için çekiyor. Salam. Ali salam. Mənim adım deyən Məhəmməddir. Salam, mənim adım Məhəmməddir. Şad oldum deyən Məhəmməd. Şad oldum. Hindistanlı dost qonağımız Məhəmmədlə tanış olmaq. Come to India. Hindistana qonaq çağırır. İnşallah. İnşallah. Wanna say something? Biz də çox şad olduq Məhəmmədlə tanış olmağa. Gözəl insandır, pozitiv insandır. Uğurları bol olsun inşallah. Wanna say something? No. Nadim, salam, sağ olun. All family, come to India. I will welcome you guys. Inshallah. Inshallah. So invite कर रहा हूँ मैं भी इंडिया में अगर आते हैं तो अभी तो मैं वैसे भी इंडिया में रहूँगा तो जैसे आएंगे अगर आते हैं इंशाल्लाह तो ज़रूर वहाँ पे इंडिया का टूर कराएंगे और ताजमहल स्पेशली दिखाना है और इस छोटू को छोटू मीन्स छोटू वी कॉल छोटू इनको गेमिंग का थोड़ा सा घुमाऊंगा थोड़ा सा जो भी है इंडिया में अभी तो बारिश हो रही थी बाहर निकलूंगा कुछ देर में उसके बाद देखते हैं कहाँ जाऊंगा फिर स्ट्रेट पर सीधे जाऊंगा हॉस्टल पे तो
भाई फाइनली मैं आ गया हूँ। मुझे एक यहाँ पे चौराहा है और एक बस स्टॉप है, ड्रॉप कर दिया है। बस आती होगी 114, वो लेके मैं बैठ जाऊँगा और वो बागपुर सिटी में जाएगी फिलहाल। और हम लोगों ने बस को वैसे भी ओवरटेक कर लिया था। और देखो मैं यही बोल रहा था भाई आप लोगों को, मैं यहाँ से आया तो अकेले था बागपुर सिटी से इस विलेज में घूमने के लिए, बट जिस शॉप पर मैंने कुछ सामान खरीदा था वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे उनकी वाइफ ने इन्वाइट किया कि आइए खाने पर। तो दो डालमा यहाँ का जो मेन ट्रेडिशनल फूड है वो मैंने ट्राई किया, जो कि मैं रेस्टोरेंट में ट्राई करने वाला था, बट किसी घर में खाना ट्रेडिशनल उसके बाद अलग होती है। ये कुछ आसपास का देखो नज़ारा है, देख लो। चलते हैं बस पर, नहीं तो बस छूट जाएगी, नहीं तो फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा, वहाँ से आती ही बस कम है। 114 पे जाना है मेरे भाई। बहुत गर्मी है मेरे नाक पे, इधर सब जगह टैनिंग हो चुकी है, अच्छी खासी जम के टैनिंग हुई है, इसीलिए भाई धूप में निकलने का मन नहीं करता है। आज इतना मैं ज़्यादा मतलब थक गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं जल्दी से गया कोल्ड ड्रिंक लिया तो मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गिरा। तब तक उन लोगों ने मुझे मेरी हालत देखते हुए कहा कि कुछ खाओगे, तो मैंने कहा नहीं नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ कोल्ड ड्रिंक पी के। फिर लेडी ने मतलब ट्रांसलेट करके बोला कि अगर आप बाकू में आए हो तो बिना खाए पिए नहीं जा सकते, और यही एक्चुअल में भाई ट्रेडिशन है बाकू का। लोग बहुत वेलकमिंग है बट शहर के बीच में नहीं मिलेंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक्चुअल बाकू के बारे में जानना है तो कोई भी किसी भी कंट्री हो, जब आप शहर से बाहर जाते हो ना विलेजेस में या फिर किसी दूर इलाके में, तब आपको असली लोग मिलते हैं, उनका असली नेचर सब कुछ वहाँ देखने मिलता है। शहर में तो यार सब मुखौटा पहने हुए हैं, ये हर जगह की बात है, इंडिया में भी ऐसे ही लोग हैं, बट ऐसा नहीं कि शहर पूरा ही ख़राब है, शहर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं अच्छे। बट मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा था, जो फ्री चाहिए था, तो एक फैमिली के साथ में रहना रुकना खाना पीना यही सब चीज़ें ना मुझे मतलब चाहिए करने के लिए। लेट्स सी इन फ्यूचर कब मैं ट्रैवल शुरू कर पाऊँगा, ये सब रेगुलर चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आसपास का देख लो भाई, फुटब्रिज, आप सोचो ये गांव इलाके में हाईवे पे फुटब्रिज बना हुआ है, अच्छा खासा ठीक ठाक है। और पीछे भी मैंने जो ब्रिजेस देखे थे ना वो भी बहुत अच्छे ब्रिज बने हुए थे, फुटब्रिज क्रॉस करने के लिए। बैठता हूँ, आ जाए गाड़ी, क्योंकि अभी मैंने रास्ते में नोटिस किया था वो बस ऑलरेडी निकल चुकी थी और उससे पहले ही हम लोग आगे आ गए थे क्रॉस करके, तो बस मिल जाएगी, वेट करते आने का।